और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और शनिवार का दिन है। तृतीया तिथि आज रात 8:35 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। आज रात 12:26 तक शुक्ल योग रहेगा। जैसे कि जब तक आसमान में बढ़ता हुआ चंद्रमा दिखाई देता है तब तक शुक्ल पक्ष होता है, लिहाजा इस योग को मधुर चांदनी रात की तरह माना गया है। अर्थात जैसे चांदनी की किरणें स्पष्ट रूप से मनुष्य को शीतलता देती हैं, वैसे ही हर कार्य में शीतलता और सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है तथा मंत्र भी सिद्ध होते हैं। साथ ही आज देर रात 2:29 से शुरू होकर कल की देर रात 3:51 तक समस्त कार्यों में सफलता दिलाने वाला रव योग रहेगा। रव योग के दौरान शुरू किए गए कार्य बिना किसी रुकावट के पूरे होते हैं तथा उसकी उसका शुभ फल लंबे समय तक मिलते रहते हैं। इसके अलावा आज देर रात 2:29 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से रेवती नक्षत्र को अंतिम नक्षत्र माना जाता है। रेवती नक्षत्र का अर्थ है कुछ तारों से मिलकर बनी एक आकृति। कहते हैं रेवती नक्षत्र 32 तारों का समूह है जिसका अर्थ है धनवान या धनी। इस नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति तथा एक अच्छे सुखी जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार पानी में तैरती हुई मछली को रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। रेवती नक्षत्र के दौरान विद्यारंभ, गृह प्रवेश, विवाह, किसी सम्मान समारोह में जाना, देव प्रतिष्ठा इत्यादि कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। रेवती नक्षत्र व्यक्ति को सुंदर, तेजवान, चतुर, बुद्धिमान और धन धान्य से युक्त बनाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज महुआ के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके ऐश्वर्य और वैभव में वृद्धि भी होगी। आपने कभी महुआ का फल देखा है? गोल, मोती जैसा, अत्यंत कोमल और अति सुगंधित। महुआ मौसम में जब महुआ टपकता है तो महुए के पेड़ के नीचे एक सफेद चादर से बिछ जाती है महुए। अगर आप कभी महुए को देख सकें, महुए को सूंघ सकें और अनुभव कर सकें तो आप समझ सकेंगे कि रेवती नक्षत्र में पैदा व्यक्ति उतना ही कोमल, उतना ही सुगंधित, उतना ही गुणवान होता है। महुआ अत्यंत पौष्टिक फल माना जाता है और कुछ विशेष कार्यों में इसका बड़ा विशेष इस्तेमाल होता है। इसके अलावा 1 मार्च की शाम 4:31 पर शुरू हुए पंचक नक्षत्र भी आज देर रात 2:29 पर रेवती नक्षत्र के साथ समाप्त हो जाएंगे। आप जानते हैं कि धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में रेवती नक्षत्र 5वां यानी अंतिम नक्षत्र है। याद दिला दूं कि पंचक के दौरान कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए, विशेषकर पंचक के दौरान जब रेवती नक्षत्र चल रहा हो उस समय घर की छत बनवाना अवॉइड करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पंचक के समय घर की छत डलवाने से आर्थिक स्थिति पर विपरीत असर पड़ता है और घर में क्लेश की स्थिति बनती है, लिहाजा फिलहाल पंचक के दौरान वर्जित कार्य आज देर रात 2:29 के बाद शुरू किए जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।